हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो ये देखो गाइज, फाइनली हमारे 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं कुछ पलों में, 11 बजने वाले हैं। तो देखते हैं कब तक होते हैं। मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मतलब ये देख के कितना अच्छा लग रहा है। इसमें तो वैसे दिखा रहा है कि 10,000, वैसे हैं 1,000 कुछ, तो 1,000 तो हो ही जाएंगे अभी थोड़ी देर में। हमारा चैनल फास्टेस्ट ग्रोइंग व्लॉगिंग चैनल बन चुका है। अराउंड एक मंथ में हमने अराउंड 7.5 लाख सब्सक्राइबर गेन किए हैं। थैंक यू सो मच गाइज इतना सपोर्ट के लिए। तो अभी स्टूडियो में जाके देखते हैं कि एक्चुअल में कितने बाकी हैं। तो यहाँ पे तो दिखा रहा है ओनली 500 बाकी है, 500 से भी कम। तो ये अभी कुछ ही देर में हो जाएंगे। मैंने भी सोशल ब्लेड पे चेक किया तो ये देखो दिखा रहा है 740K सब्सक्राइबर्स। तो ये क्या ही हो रहा है, मुझे लिटरली समझ में ही नहीं आ रहा, मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा यार। मतलब कभी मैं सोचा नहीं था कि इतना भी ग्रो कर सकते हैं। सब आप लोगों की वजह से है गाइस, दिल से सबको थैंक यू सो मच। बाय द वे, ये रहा हमारे साथ में हमारा ओरियो, आराम से सो रहा है। 3 मिलियन होने वाले अपने, मेरा साथी है ये, मेरा साथी। अरे चेक करता हूँ होने वाले होंगे, चल आ जा, उड़ जा। अब तो 200 से भी कम चाहिए। तो सबको बुलाता हूँ ऊपर, जो भी है नीचे। पापा जी, 3 मिलियन होने वाले हैं, आ जाओ लाइव देख लो। सभी को बुला लिया मैंने, बस पीयूष के अलावा सभी नीचे ही हैं। अटक गया था इसमें, अटक गया यार इसमें, पता है शायद इसमें दिखा नहीं रहा। अरे अपने फोन में खोला स्टूडियो में तेरे? फोन में नहीं ना, इसमें देखना अपन ने, इसमें ज्यादा अच्छा दिखता है। मम्मी जी लो आप पकड़ो, होने वाले बस। ऐसे क्या देख रहे हो? मेरे को दिखाओ यार, मैं स्टूडियो में ही चेक करता हूँ। यूट्यूब स्टूडियो, अरे हो गए हो गए हो गए हो गए, ज्यादा फालतू हैं, 300 फालतू हैं। चलो इसी बात पे मैगी हो जाए। तो आज का फर्स्ट केक तो आ चुका है 3 मिलियन का। देखो जो कि ये भाई लेके आए हैं, लास्ट टाइम भी लेके आए थे, देव एंड रोहन। थैंक यू सो मच, हैप्पी 3 मिलियन फैमिली। गैस कर क्या हुआ होगा, बाहर स्कूटी तो खड़ी है, क्या हुआ होगा गैस कर। कोई आया नहीं तेरे को पता नहीं क्या हुआ होगा, गैस कर। नहीं क्या हुआ, अरे तो बता दे, चल पानी बता। मतलब इसको पता ही नहीं क्या हुआ है ना भाई, तेरे को ऊपर नहीं जाना दूंगा, पहले गैस कर। मैं इतना एक्साइटेड हो रहा हूँ, तेरे को पता ही नहीं क्या हुआ है। अरे मेरे को क्या पता, फिर वो बात है, मैं स्कूल से आ रहा हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो, आ जाओ ओरी। और ये बता दे तेरे को, पापा जी इसको पता ही नहीं क्या हुआ है। अरे पता ही नहीं तेरे को, सेलिब्रेशन 3 मिलियन। हाँ ओहो ये। तो पीसी क्या कहना चाहेगा, हमारे 3 मिलियन सब्सक्राइबर हुए हैं, केक खाना मेरे को। इसको उठा यार पहले, तो ये देखो इन्होंने क्या कर दिया, सारी पॉलिथीन इसने फाड़ दी, खुद यहाँ पे छुप, इसके मुंह में भी है, इसके मुंह से निकाल। सो पीयूष का बर्थडे आने वाला है, तो मैं सोच रहा हूँ कि पीयूष को कुछ गिफ्ट करता हूँ, कुछ ऑर्डर करता हूँ इसके लिए, जो कि इसके लिए सरप्राइज है, इसको बताएंगे नहीं। कुछ भी ऑर्डर करने के लिए ना मैं एक एप्लीकेशन का यूज करता हूँ जिसका नाम है कैश करो, जिससे मुझे अच्छा खासा कैशबैक मिल जाता है। जो हमारे फेवरेट रिटेलर्स होते हैं जैसे कि अमेजोन, मिंत्रा, ये जैसे जितने भी 1500 से भी ज़्यादा रिटेलर्स होते हैं, जहाँ से हम यूजली शॉपिंग तो सभी करते हैं। तो अगर आप कैश करो के थ्रू करोगे ना, तो आपको डिस्काउंट के साथ में कैशबैक भी मिलेगा, और उसको आप इजीली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये इंडिया की लार्जेस्ट कैशबैक एप्लीकेशन है, जिसपे खुद रतन टाटा जी ने इन्वेस्ट किया हुआ है। सो इसको यूज किस तरह से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आपको कैश करो एप्लीकेशन खोलना है, अगर मेरे नीचे दिए हुए लिंक से करोगे तो आपको 25 रुपीज का बोनस मिलेगा। वहां पे अपने फेवरेट रिटेलर का नाम सर्च करो, जैसे कि अमेजोन, उसके बाद एक्टिव रिवार्ड्स पे क्लिक करो और ये आपको अपने फेवरेट रिटेलर्स पे ले जाएगा। आपको जितनी शॉपिंग करनी आप कर सकते हैं। शॉपिंग होने के बाद कैश करो अकाउंट के माई अर्निंग सेक्शन में जाओ, वहां पे आपको आपका कैश बैक मिल जाएगा, जिसको आप इजिली अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। और हाँ, मैंने कैश करो से बात करके 5 सब्सक्राइबर्स के लिए गिव अवे भी है, 5 सब्सक्राइबर्स को 200 रुपीज का बोनस मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, शॉपिंग करो और कैशबैक पाओ। तो पीयूष भी रेडी हो चुका है एंड मैं भी रेडी हो चुका हूँ, तो चलो चलते हैं। ये पहले तो यार केक को जाके ना फ्रिज में रखा यार, इसको देख के मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है, खा खा छिक गया मैं खा के। वाह देखना, केक को खोखला कर रखा है इन्होंने, पता कैसे, सिर्फ ब्रेड ब्रेड खा रखी है, क्रीम छोड़ रखी है। बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाओगे। गाड़ी में आती इतनी गर्मी लग रही है ना, मतलब लिटरली ऐसा लग रहा है पता नहीं अंदर क्या ही हो रखा है। और आज हमारे साथ में जा रहे हैं गौरव भैया एंड भाभी, हमारे घर के सामने वाले, बिकॉज वो हमारी बहुत हेल्प करते हैं हर चीज में। गाड़ी लेने में उन्होंने ही हेल्प की थी हमारी, मतलब हर किसी चीज में वही करते हैं। तो आज हमने उनको बुला लिया, आप भी चलो। आज हम ओरियो को भी लेके जाने वाले रेस्टोरेंट में, होपफुली वहाँ पे मना ना करे बस हमको, वरना कहीं और चले। ऐसे नहीं करेंगे, ओरियो ज्यादा तंग नहीं करता कहीं पे भी। चले क्या, जय श्री गणेश। लास्ट टाइम हम पूरी फैमिली आए थे बाइक में, तो आपने वो व्लॉग देखा होगा। चलो पहुंच गए,
बंद तो नहीं है कहीं? खुशबू आ रही है बाहर तक, बंद है। मम्मी कह रही है खुशबू आ रही है बाहर तक। अच्छा तो यहाँ पे एसी रूम भी है, यूजुअली हम वहाँ पे बैठते थे तो ओरियो के लिए मना कर रहे थे, बट हमने थोड़ी बहुत परमिशन ले लिया। मम्मी पापा बाहर चले गए थे। लो नहीं मैं नहीं करता, सब अपने हिसाब से करेंगे ना। मेरी चौमिन, मम्मी की भी चौमिन। अब आराम से बैठे ना, बैठे रहने दे। नमक चाट रहे, नमक चाट रहे, देखो 3 मिलियन पे नमक चाट रहे। रख दे वहाँ पे, ऐसी हरकतें नहीं, जहाँ भी जाते नमक चाटते ही। मैंने बहुत बार नोटिस किया देखो। और हमारे बैक साइड में देखो खेत ही खेत है, काफी प्यारा व्यू है। मैंने ओरियो को अपने पैर से बांध रखा है, देखो प्यूज उठा तो ये भी उठ गया, अब यहीं पे बैठ गया। तू एक काम कर, इसको पकड़ ले, मैं हाथ धो के आता हूँ। ये पकड़ ले, मैं हाथ धो के आता हूँ। पकड़ ले, हाथ धो के आता हूँ। इसके एक बार पकड़ ले, हाथ धो के आता हूँ। पकड़ ले, अरे पकड़ ले यार पीयूषी, पकड़ ले यार। ओए नहीं 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 नहीं, तू नहीं, इधर आ, इधर आके पकड़, बैठ के पकड़ना, खड़े होके नहीं पकड़ना भाई। इतनी मुश्किल से तो अंदर लाया उसको, भगा दिया था बाहर। बैठ जा आराम से, मैं 2 मिनट में हाथ धोके, तू बैठ जाएगी, छोड़ियो मत इसको, ले बैठ बैठ, मैं हाथ धो के आता हूँ, बैठ। थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा सब्जी है उसमें, देखो सब्जी है, ऊपर ऊपर वाली खा लो। मशरूम है क्या? अरे जो भी है, तू तेरे को पसंद नहीं है तू मेरे में डाल दे बस। हम जब भी यहाँ पे आते यही खाते कुछ नया ट्राई ही नहीं करते। पीयूष को सब्जी पसंद नहीं आ रही। अरे हाँ तेरी, तुम्हारी वाले में तो नहीं है सब्जी। अरे पीयूष मैं तेरे को नीचे वाला दे दूंगा, आजा। अरे भाग गया, इसको पकड़ रहे। पीयूष को मिल गया बिना सब्जी वाला। तो खाना तो हो गया, अब इसके बाद क्या लोगे? पीयूष जी कोल्ड कॉफी, आइसक्रीम, हॉट कॉफी ले लो। तो फिर चाय? घर के उपयोग, यहाँ आए हो तो घर के उपयोग, घर पी लूंगी। मम्मी चाय तो घर पी लूंगी। वाह, आप क्या लोगे? कोल्ड कॉफी। आइसक्रीम होती है उसमें भी? बड़े बड़े गिलास। हाँ मम्मी कह रही बड़े बड़े गिलास होते हैं। ना ना मैं नहीं ले रही। ओए ओए इसको क्या हो गया? ओरी ओरियो, ये देख रहा है भाई क्या क्या खा रहे हैं अकेले अकेले। ये मम्मी को दे दो। वाह, तो अपनी कोल्ड कॉफी भी आ गई है, जिस पे पीयूष गंदी नजर डाल रहा है। हाँ आज मैंने मंगाई है ना, कड़वी हो रही है, तूने नहीं मंगाई इसलिए। हाँ फिर दूध पूरी तो ही पी ले। ये हम है, ये हमारी फैमिली है, और ये हमारी 3 मिलियन की पार्टी हो रही है। पार्टी हो गई है, तो अभी अंधेरा हो चुका है। तुम दोनों बैठ जाओ। अरे गोदी में बिठा ले अपनी, गोदी में बिठा ले। चलो अरे आओ ना, अंदर घुस रही गाड़ी के। आगे सभी बैठ गए क्या? सीट बेल्ट को छोड़ के, सीट बेल्ट लगा लो भाई। तो 3 मिलियन का हमारा सेलिब्रेशन आज कुछ ऐसे था, बस बाहर खाने के लिए गए थे, केक ज्यादा कट नहीं किया, सब्सक्राइबर ले आए थे वही कट कर लिया था। और अभी टाइम हो रहे हैं 10:50 रात के, और अब मैं खाऊंगा खिचड़ी, क्योंकि वहाँ खा लेता ना तो मेरा पेट भरा भरा था, तो अभी थोड़ी बहुत मम्मी ने खिचड़ी बना दी, खिचड़ी खाते हैं थोड़ा, और उसके बाद में हाँ आज आपको फाइनल में हेलमेट दिखाई देता हूँ। वैसे व्लॉग में, लास्ट व्लॉग में दिखी गया था हल्का हल्का, बट अब अच्छे से दिखाता हूँ कैसा हेलमेट लिया मैंने। तो ये रहा ग्रीन कलर का, कुछ काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, देखो ये वाली लुक देखो इसकी, और ये देखो एक्सोर का है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो ये देखो ये साइड वाली लुक काफ़ी प्यारी है इसकी, काफ़ी अग्रेसिव। तो मम्मी जी कैसा लगा हेलमेट, कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, पर मेरा सिर तो नहीं जा रहा है इसमें। तो आपको थोड़ी बाइक चलानी है, बाइक सर तक चलानी है। टाइट बहुत है यार, जितना टाइट होगा उतनी सेफ्टी होगी। ओ बाबा, अगर ढीला होगा तो वो निकल ही जाएगा। सो गाइस ये है हेलमेट जो कि फाइनली मैंने आपको दिखा दिया है बिल्कुल अच्छे से। कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। एक अच्छी क्वालिटी का मुझे हेलमेट चाहिए था, बिकॉज मैं हाईवे पे जाता हूँ, सेफ्टी जरूरी है। पहले तो मेरे पास एक नॉर्मल सा था, तो जल्दी ही कोई लॉन्ग टूर करते हैं बाइक पे या फिर गाड़ी में। बाइक पे अलग ही मजा होता है, गाड़ी में अलग ही मजा होता है। तो अभी फिलहाल मैं एडिटिंग कर रहा था, तो मेरी नज़र गई ओरियो पे, वो इधर ही देखे जा रहा है, बिकॉज मैंने एसी चला रखा है, एसी पे पंखा ऑन कर रखा है, और ये हिल रहे हैं बैलून्स, तो इनकी आवाज़ आ रही है ना, इसको डर लग रहा है। क्या हुआ अब देखना, एकदम से वहीं देखेगा। कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, फैन बंद कर देता हूँ, ठीक है? इसको प्रॉब्लम हो रही है भाई, तो फैन बंद कर दिया है, अब नहीं हिलेंगे ये।
अरे हाँ 3 मिलियन हो गए, अभी तक 1 मिलियन का ही लगा हुआ है। मैंने 2 मिलियन पे भी चेंज नहीं किया, अब 3 मिलियन हो गए, अब भी चेंज नहीं किया। करेंगे इसको चेंज, अब सो जा आराम से, अब नहीं हिलेंगे वो, ठीक है। तो फिलहाल अभी ब्लॉग एडिट हो चुका है एंड रात के बज रहे हैं 12:44 एंड ओरियो नीचे चला गया टाइल में, उसको ठंडा लगता है ना क्योंकि गर्मी हो रही है, मैंने उसी के लिए एसी चला रखा है, उसके बाल काफी बढ़ गया ना तो उसको एसी की जरूरत है। फिलहाल तो ये देखो कैसे सोया पड़ा है, रात भर इसकी पोजीशन चेंज होती रहेगी सोने की, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, कभी अपने बेड पे चल जाएगा, कभी मेरे बेड पे आ जाएगा, कभी उस वाली चार पे भी, कभी कहाँ कभी कहाँ। अब देखो उठ गया ना, अब देखते हैं कहाँ, अब शायद